नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबरा शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मुनासिब तौर पर मुंतखब अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासती हुकूमतों को कमजोर करने में उसके किरदार पर तनकीद की। महाराष्ट्र के बेड में एक रैली के दौरान पवार ने कहा कि अगरचे बीजेपी मुस्तकिम हुक्मरानी की वकालत करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दीगर कानूनी तौर पर मुंतखब पार्टियों की रियासती हुकूमत को गैर मुस्तकिम करने की साजिश करती है। यौमे आजादी पर लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब पर रद्दमल जाहिर करते हुए पवार ने कहा, 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा ही वादा महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था। वो इख्तदार में जरूर वापस आएंगे, लेकिन कमतर ओहदे पर। पवार ने मौजूदा हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया कि वह इख्तदार में रहने के लिए जात पात, मजहब और जुबान पर मबनी तफरका अंगेज हिकमत अमली अपना रहे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी MVA को इख्तदार से बेदखल कर दिया गया था।